हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सांगरे की स्पेशल रेसिपी जो हमारे गांव में ये खूब होती है। और इसको तोड़ के सुखा के और इसे स्टोर करके भी आप रख सकते हैं। जब मन किया आप थोड़ी सी सांगरे लो और इसकी कुछ भी रेसिपी आप बना लो जो आपको पसंद हो। तो मैंने इतनी ये सांगरे ली है और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। और इसे हम एक कुकर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के और आधी छोटी चम्मच हल्दी और आधी छोटी चम्मच नमक डाल के इसको उबाल लेंगे 3-4 सीटी आने तक। और फिर से 3-4 पानी से हमें अच्छे से वॉश कर लेंगे। और ये देखिए सांगरी अच्छे से उबल चुकी है। मैंने इसे छालने में डाल के रख दिया है कि इसका सारा पानी निकल जाए। और ये देखिए कलर भी कितना सुंदर है, एकदम ग्रीन कलर। तो इसे हम एक बाउल में डाल देंगे सांगरी को, और इसे हमें 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करना है क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत धूल मिट्टी होती है, वो निकल जाए। और देखिए इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, और आधी छोटी चम्मच इसमें डालेंगे हम अमचूर पाउडर, और इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच इसमें भुना हुआ जीरा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1/4 चम्मच इसमें गरम मसाला डालेंगे, और इसमें हमने खट्टा दही लिया है तो ये कम से कम 3-4 छोटी चम्मच होती है वो इसमें हमने डालना है खट्टे दही से। ये रेसिपी बड़ी गजब की बनती है और इसे मिक्स करेंगे। अगर आप इस तरह की रेसिपी घर पर बनाएंगे तो आपके घर वाले तो बड़े चाव से इसे हफ्ते में 4 बार ही बनाएंगे। इतनी टेस्टी बनती है, इजी भी बहुत होती है। और हमने कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाला है, और गरम होने के बाद इसमें 1/4 चम्मच हम जीरा डालेंगे, और जीरा चटकने के बाद इसमें चुटकी भर हींग डालेंगे। और हमने 1 प्याज लिया, इस तरह से बारीक काट के हमने रख लिया है, वो इसके अंदर डाल लेंगे। इसका थोड़ा भूनेंगे कि कलर इसका थोड़ा ब्राउन ब्राउन कलर हो जाए और ये एकदम क्रिस्पी हो जाए, देखिए इस तरह से। और फिर हमने जो सांगरी में दही लगा के छोड़ा था वो इसके अंदर डाल देंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से 1-2 मिनट के लिए। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इससे क्या है कि मसाले की सिकाई एकदम अच्छे से हो जाए। तो ये देखिए हमारी ये सांगरी और प्याज की स्पेशल दही वाली सब्जी बन के तैयार हो गई है दोस्तों। अगर आप इस तरह से घर पर ज़रूर ट्राई करके देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, खाने में टेस्ट लगे, फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। थैंक यू, बाय बाय।